नमस्ते। मई 2024 स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए, इसको इस हिस्से को मेनली मई महीने को दो हिस्से में बांट सकते हैं। जैसे एक मई से 14 मई तक का जो टाइम है, इसको आप एक समझ लीजिएगा कि भाई बहन या पड़ोसियों के साथ का कुछ पैसे का व्यवहार की बात आएगी, और बाद में के जो 15 दिन है, मतलब उसमें पैसे का मामले में फायदा ही रहेगा आपको। भाई बहन के साथ के व्यवहार या रिलेशन पड़ोसियों के साथ के आप दो वीक में सुधार पाएंगे। कुछ चैलेंजेस भी है फर्स्ट टू वीक में, बट सेकेंड वीक और थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट टू वीक तो थोड़े चैलेंजेबल है, बट थर्ड एंड फोर्थ मतलब लास्ट दो वीक, उसमें घर के अंदर शांति होगी, मन के अंदर शांति होगी, कुछ नया परचेस वर्चेस करके लाएंगे। इन शॉर्ट देखिए, इस महीने में दो हु आर अनमेरिड, उनके लिए लास्ट दो वीक में विवाह का प्रपोजल आएगा। मैंने हेडिंग लिखा है विवाह योग। लग्नेश आपका राहु के साथ है, गाय को गुड़ खिलाइएगा। लग्नेश राहु ग्रस्त है, सो गाय को गुड़ खिलाने से वो दोष थोड़ा कम होगा। या कोई घर के पास गौशाला है, उसमें गाय को घास खिलाइएगा, गुड़ खिलाइएगा। और आप जिससे प्यार करते हैं उसको ज्यादा पहचानने की पीड़ा में नहीं पड़िएगा। अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सी, स्टूडेंट को भी केयरफुल रहना है। आप जिससे प्यार करते हैं उनको पहचानने की कोशिश मत करो, बस प्यार ही करो। एंड अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सी विद टू एवरीवन टू हुम यू लव, जिससे मोहब्बत करते हैं उनके साथ अवॉइड करिएगा कॉन्ट्रोवर्सी। और 6 अप्रैल से 12 मई तक कोई लोन लेना पड़ेगा या शत्रु पीड़ा भी मैं देख रहा हूं, रोग ऋण या शत्रु। 6 अप्रैल से 12 मई तक उसके लिए भी केयरफुल रहिएगा। रोग ऋण और शत्रु बोल रहा हूं, यानी ये चीज आपके समझ में आएगा जब ये आप बीतेंगे उससे। सो अवॉइड, अगर लोन लेते हैं तो 12 मई तक उसको भी। ये कोई शत्रु बहुत छोटे औहदे का होगा, हो सकता है कोई बीमारी हो जाए आपको। 6 अप्रैल से बोल रहा हूं, बहुत डरने की बात है, ऐसा बोल नहीं रहा हूं। 6 अप्रैल से 12 मई तक कोई छोटी मोटी बीमारी से भी परेशान रहेंगे आप, ये भी हो सकता है 6 अप्रैल से 12 मई तक। अब देखिए, अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। केयरफुल रहने की तारीख है 6 से 10, 6, 7, 8, 9, 10, इसको कैलेंडर पर मार्क कर दीजिएगा। इस दिनों में कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो ये सब अवॉइड करिएगा। ये 31 दिन का महीना है, उसमें से 6 दिन मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है। बाकी 25 डेज तक सितारे आपके आपके सपोर्ट में, ये मान के चलिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं मंथ का स्टार्टिंग में यानी कि 28 अप्रैल से ही जा रहा हूं, 1 मई तक का जो टाइम है 28 अप्रैल के वर्ष में, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट। जो लोगों को बहुत वक्त से काम नहीं मिला, मैं कभी कभी पढ़ता हूं किसी लोगों का कि वी डो नॉट हैव वर्क एंड दिस एंड दैट, तो 28 अप्रैल टू 1 मई बहुत बड़ा मीटिंग होगा, काम धंधे में सम्मान प्राप्त होगा आपको। और ये अच्छा दिन है 28 अप्रैल से 1 मई। अब देखिए, 2 मई टू 5 मई आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। 2 मई टू 5 मई आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो तो उसके पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत स्मार्टनेस नहीं करिएगा, मैं हर बार बोल रहा हूं आपको, आपके बुद्धि स्थान में, शेयर मार्केट जिस स्थान में देखा जाता है उसमें 100% ये राहु है। 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक दलाल स्ट्रीट का नाम ही ना ले तो अच्छा है, बेटर है। शेयर मार्केट आपके लिए ट्रबलस है, ये बात समझ लीजिएगा। जहाँ जल है वहां स्थल दिखाएगा, स्थल है वहां जल दिखाएगा। मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सुनेंगे नहीं ऐसी एडवाइस कि फिफ्थ हाउस में राहु है फिर भी आप करे जा रहे, जन्म का गुरु अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ट्रबल में आ जाएंगे। सो अवॉइड, शेयर मार्केट से डिलीट करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। 2 से 5 मई फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, लेकिन या इसमें आप जब बेचने जाओ तब ट्रबल होता है क्योंकि ये फिफ्थ हाउस का राहु है, केयरफुल रहिएगा, किसी की एडवाइस से नहीं चलिएगा। 6 मई से 10 मई इस महीने का जो मैंने बोला है कि कहीं कोई कंट्रोवर्शियल टाइम है, ये टाइम में पैसा भी खर्च होगा, कोई आपको बहुत नियर बाय आदमी जो आपके साथ उठता बैठता है वो आपको बेवकूफ बनाएगा, कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। 6, 7, 8, 9 और 10 इसका उपाय, कोई गणपति बापा का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां से होकर ऑफिस जाइएगा 6 टू 10,
उससे ऑफिस जा सकते हैं, ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं 6 से 10 मई में, ये जरूर करिएगा, और गाय को गुड़ खिला सकते हो तो बेस्ट है। अब आगे चलते हैं, इसमें इस समय में 6 से 10 अवॉइड एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई दूसरा रिलेटेड हो, ये बेवकूफ बनने का टाइम है 6 से 10, इसको अवॉइड करिएगा इस डिसीजन को। अब 11, 12, 13, 14 और 15 11, 12, 13 and 14 आपको याद आएगा कि मैंने बताया था, फिर भी नहीं हुआ, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप के बारे में सोचेंगे और ये जो गलती हुई है आपकी 6 से 10 में इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका 4 दिन जाएगा 11, 12, 13 और 14, वो दिन एनर्जी से आप भरे भी रहेंगे 11 से 14 तक। अब 15, 16, 17 और 18 इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन, किसी से पैसा मांगना हो तो मांग के देखिएगा, इस दिन में पैसा आना चाहिए। अगर इस दिन में पैसा नहीं आया आप लिख देंगे तो अभी नेक्स्ट मंथ या तो 1.5 महीने के बाद की बात होगी, नेक्स्ट महीने के स्टार कैसे हो नेक्स्ट महीने में बताता हूँ। 15 से 18 में किसी को भी उधार दिया हो, आजकल तो उधार दे दिया तो वापस मांगने के लिए आपको रीजन देना पड़ता है, उधार देते वक्त तो आपने दे दिया बट वापस मांगते समय रीजन देना पड़ता है, तो ये 15 से 18 में अपने पैसे वापस मांग सकते हो। किसी से एस्ट्रोलॉजी को चेक करना हो तो ये कर सकते हो। 15 से 18 यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, फूड फैमिली और फाइनेंस आपको मिलेगा, आपका परिवार पूरा एकत्रित होगा। 15, 16, 17, 18 19 से 23 जो मैंने बोला वापस, भाई बहन के साथ का रिलेशंस का मैंने पहला 2 वीक का बोला था आपको कि भाई बहन के साथ का रिलेशन और पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस कुछ तरीके से इम्प्रूव होगा फर्स्ट 2 वीक में। अब 19 से 23 में वैसा ही कुछ अनुभव वापस करेंगे, 19, 20, 21, 22 और 23 को। काम धंधे में हो सकता है कि आपको कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करनी पड़े, काम धंधे के मामले में 19 से 23 में कोई चैलेंज आएगा, आप डेयरिंग से वो चैलेंज आपकी मेहनत से आपका हार्डवर्क से किसी दोस्त की मदद से ये आसानी से पार कर पाएंगे। 19 to 23, 24, 25, 26 and 27 यू विल फील सम हैप्पीनेस एट होम, घर के अंदर मन के अंदर एक अजब शांति का आप अनुभव करेंगे। 24, 25, 26 और 27 ओवरऑल ये दिन भी अच्छा है। अब 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई और 1 जून टू लर्न समवन, टू लर्न समथिंग, किसी को प्यार करने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम है, कुछ नया चीज समझने का टाइम है शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी। 28 मई से 1 जून देखिए बच्चों के लिए भी मैंने बोला है कुछ टू लर्न समथिंग है, और शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए कुछ मार्केट ट्रेंड समझना हो, ये यहां नहीं लिखा मैंने क्योंकि यह राहु है, देखिए ये आपको भ्रमित तो करेगा, इल्यूजन में डालेगा कुछ ना कुछ, इसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अवॉइड सम कॉन्ट्रोवर्सी विद योर चिल्ड्रन, आपके अपने संतान से अवॉइड करिएगा कॉन्ट्रोवर्सी, उसका भी अनुभव होगा। ओवरऑल इस महीने में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि फर्स्ट 2 वीक्स आर स्लाइटली बिट स्ट्रेसफुल बट पीछे का टाइम आपका पीछे के 2 वीक है वो अच्छा रहेगा आपके लिए, घर में एक अजब शांति का अनुभव भी आप करेंगे और बच्चे से जो कॉन्ट्रोवर्सी और ये सब आपने करके रखा है वो भी 29 मई के बाद 12 जून तक में वो भी आपको सेटल होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं बच्चों से कॉन्ट्रोवर्सी से भी बचिएगा। अब देखें जॉबलेस लोगों के लिए तो मैंने बताया 28 अप्रैल से 1 मई, बिजनेस के लिए बेस्ट है पार्टनरशिप के लिए क्योंकि विवाह का योग भी आया है, ये 2nd, 3rd and 4th week की बात कर रहा हूं मैं, बिजनेस के लिए बेस्ट प्रपोजल आएगा ही आना ही चाहिए। देखिए 6वें स्थान का गुरु जो लास्ट ईयर रहा आपका अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक, साल भर इसने आपको पैसे का शॉर्टेज में रखा, पैसे की शॉर्टेज में रखा बट अभी ये धीरे धीरे रिलीज करेगा। अब पति या पत्नी के स्थान में आया हुआ ये गुरु आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत बॉन्डिंग देगा, मजबूत बॉन्डिंग देगा यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपका पार्टनर स्कॉर्पियो है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्कॉर्पियन के साथ जीना बड़ा मुश्किल है, आप समझ तो चुके ही होंगे क्योंकि आपका पार्टनर स्कॉर्पियन, बट स्कॉर्पियन अभी कहीं ना कहीं से अपने पार्टनर को एडजस्ट होने की कोशिश करने लग जाएगा, यानी कि अगर आप स्कॉर्पियन है तो आपका पार्टनर भी आपको बहुत इजीली आने लग जाएगा, उसका भी बहुत वे ऑफ बिहेवियर में भी बहुत सारा चेंज आप देखेंगे और बहुत सारा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अनमैरिड है उनका विवाह होगा और स्कॉर्पियन का बड़ा ट्रबल है लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह नंबर 1, यानी कि चैलेंजेस आता ही रहेगा। 6 अप्रैल से 12 मई तक
कोई छोटी मोटी चीजों के लिए जिसको आप खर्च होगा कुछ, मैंने बोला ऐसा बहुत, कोई बहुत बड़ा, कोई पुअर आदमी पर्टिकुलरली उसके साथ माथापोड़ी हो सकती है। तो 6 अप्रैल से 12 मई तक आपके शत्रु का पीड़ा आपको रहेगा, वो मैंने बोला शत्रु पीड़ा। इसके लिए शनिवार को हो सके तो फूड पैकेट दे दीजिएगा पुअर पर्सन को। हेल्थ का नो प्रॉब्लम, हेल्थ का इस महीने में मुझे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मैंने पहले बोला फर्स्ट 2 वीक तक का मैंने जो बोला है वो छोटा मोटा, 6 अप्रैल से 12 मई तक छोटा मोटा पीड़ा रहेगा, बाकी कोई मेजर इश्यू नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट के लिए मैंने बताया 28 मई टू 1 जून क्रिएटिविटी के लिए मैंने बोला ही ये बेस्ट है। देखिए स्टूडेंट, 2 मई टू 5 मई तक दोस्तों के बीच टाइम स्पेयर नहीं करिएगा, रिमेंबर द स्टूडेंट के लिए, मतलब दोस्तों के साथ टाइम पास करने का काम नहीं करिएगा, क्योंकि अभी राहु आया आपके बुद्धि स्थान में, बुद्धि बिगाड़ेगा ये आपकी, आपको लगेगा कि ये ऐसे, ये ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ, ये बड़े आदमी ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ, आपके माइंड में सब एग्जाम्पल लगने लगने लग जाएगा। राहु 5th हाउस में है, दोस्त फीमेल, दोस्त हुआ ऑलरेडी प्रेग्नेंट, उनको जरा ध्यान रखना है, क्योंकि संतान स्थान में आया हुआ राहु। अब ये गुरु अच्छा है बात अलग है, बट गुरु इससे एस्पेक्ट नहीं है, और गुरु और शुक्र दोनों भी अस्त है। इसके लिए बिजनेस के लिए बेस्ट है पार्टनरशिप का, मैंने बोला ऐसा। हेल्थ के लिए नो प्रॉब्लम, स्टूडेंट के लिए मैंने बताया अभी, प्यार करते हैं उनके लिए 23 मई इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके 7th हाउस पर चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, तो 23rd मई बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए, देखिए 28 मई से 1 जून तक का टाइम भी बेस्ट है, टू लर्न एंड टू लव बेस्ट ही है, मतलब 23 तारीख को अगर मौका मिले तो ठीक है, अदरवाइज बात 28, 29, 30, 31 को जाए तो भी वांधा नहीं है। स्टूडेंट के लिए भी वो टाइम अच्छा ही है, 28 से 1 जून तक का, प्यार करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। शेयर मार्केट के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, 2nd टू 5th में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, और वो मैंने बताया कि 2nd मई टू 5th में दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम भी है, इसमें कुछ नया टिप आपके फ्रेंड्स की तरफ से मिलेगा, ये बात बराबर है। किसी का देखिए 5th हाउस का राहु है, सोच समझ के काम करिएगा, होल्ड करने का कैपेसिटी हो तो ही आगे बढ़िएगा, और 15 से 18 में कुछ शेयर का आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप उसको, आपके शेयर्स को बेच भी पाएंगे, बहुत माइनर प्रॉफिट पर भी अगर आप बेच सकते हैं, कोई अगर ऐसा हो शेयर के बहुत बहुत समय से लॉस पर चल रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु फिफ्थ में। हर अमावस को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, इस बार 7 मई को अमावस है, 7th मई को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके नारियल बहाते रहिएगा, ये 17 मई 2025 तक कर रहा है, क्योंकि आपके संतान स्थान से राहु जा रहा है। अब संतान क्या कर रहा है, आप जिसको प्यार करते हैं वो क्या कर रहा है वो आपके समझ में नहीं आएगा, उससे कुछ शिकायत रहेगी, आपके पास जितने पैसे जमा हो रहे हैं उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपके 11वें स्थान में केतु, ये भी कहीं कहीं वो भी एक माइनस पॉइंट है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट पैसे के उसमें आप इनसेटिस्फाइड आप अपने आप को महसूस करते हैं तो कुत्ते को खाना खिलाइएगा एवरी वेनसडे। अब देखिए इस महीने में 5 मई 20 मई को प्रदोष है, मैंने पहले ही बताया कि ज्यादातर तो देखिए आप लोगों का जो मैंने ज्यादा देखा है कि आप लोग फाइनेंस में बहुत फंसे पड़े रहते हैं, आपका भाग्य का स्वामी चंद्र है, लॉर्ड ऑफ योर लक इज ए मून, सो 5 मई और 20 मई को शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करिएगा, लाभ रहेगा। घटिया लोगों से पाला पड़ना ही है आपके जीवन में, रिमेंबर दिस, कोई भी स्कॉर्पियो हो लग्न, घटिया लोग जैसे आपकी तरफ आएंगे ही, कहीं से भी किटपिट आपके पास आती है, दैट इज बिकॉज यू आर स्कॉर्पियन, योर लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड लॉर्ड ऑफ द 6 इज द सेम प्लेनेट, और ये लग्न में वृश्चिक राशि वही चीज का नाम है। अभी आगे बढ़ते हैं, अमावस्या मैंने बताया 7 मई को आपको विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। अगर आपका संतान कंसीव नहीं हो रहा है तो भी आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अभी ट्रांजिट का देखिए, मैं स्टूडेंट को भी कंपल्सरी मैं सजेशन देता हूँ, 7 मई 2024 को जरूर करिएगा विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम है सुनिएगा, एवरी वेनसडे हो सके तो सुनिए, नहीं तो 7 मई को कंपल्सरी सुनिएगा मई 2025 तक, रिमेंबर दिस। बाद में ये राहु 4th हाउस में जाएगा, इस नॉट राहु का करता ही रहना पड़ेगा आपको। देखिए अभी आगे देखिए चतुर्थी 11 मई और 26 मई को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा।
आपके जीवन में चैलेंजेस 100% गणेश पूजन से कम होता है। विनायक चतुर्थी 11 मई और संकष्टी 26 मई को। अगर उम्र छोटी है 30-35 तक है तो आप कीप ए फास्ट ऑन 26 मई। अगर आपके जीवन की चैलेंजेस जाती नहीं है, देखिए अभी छेवा गुरु में आपने बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट की, घर के बड़े बुजुर्ग से झगड़ा हुआ आपका, होता ही है, छेवे स्थान का गुरु है, घर के बड़ों से जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है अब वो भी पूरी हो जाएगी। गुरु आपका सेवेंथ हाउस में आया है बहुत सारा। इस महीने में मैंने बोला आपको कि भाई बहन के साथ का बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए पहले दो वीक बहुत अच्छे हैं। जो कोई ऐसा है तो उसको आप आगे बढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इस महीने में बहुत एक अच्छी चीज है अक्षय तृतीया, 10 मई को, 10 मई को, देखिए बहुत बेस्ट चीज है। गुरु और शुक्र दोनों भी अस्त है, इसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि ये अक्षय तृतीया इतना अच्छा नहीं है, बट अक्षय तृतीया का मुहूर्त मैं समझता हूँ सभी मुहूर्त में सबसे उत्तम मुहूर्त है अक्षय तृतीया का, क्योंकि साल में ये एक ही बार ऐसा सिचुएशन आता है जब सूर्य भी उच्च राशि में विराजमान होता है और चंद्र भी उच्च राशि में विराजमान होता है। ये तारीख है 10 मई। 10 मई का दिन बड़ा ऑस्पिशियस दिन माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है। अगर आप कोई इस दिन दान देते हैं, तेरा दान हो जाएगा अमर, ऐसा बोलता है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रहे जोली। तो 10 मई के दिन आपकी कैपेसिटी के हिसाब से दान दोगे तो उसका भी बड़ा महत्व है, किसी को मदद कर दोगे तो वो भी बड़ा महत्व है कि उसका बहुत गुना आपको मिलता है, उसका क्षय नहीं होता, उस पुण्य का, उस दान का क्षय नहीं हो सकता। कोई चीज खरीदोगे तो उसको बेचने का नौबत नहीं आएगा। अक्षय तृतीया का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र और गुरु दोनों अस्त है, फिर भी मैं बोलता हूं अगर कार खरीदनी है, घर खरीदनी है, घर के अंदर एंट्री करना है, 10th May 2024 विल बी द बेस्ट डे। अब देखिए कि गज केसरी योग की तारीख है, यह चंद्र शुक्र की डेट है, ये मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। दूसरी बात देखिए, अभी आपका ओवरऑल पिक्चर में देखिए, शुक्र 15 दिन के बाद बदल रहा है, यानी कि 19 मई से 11 जून सेवेंथ हाउस में आ रहा है, मतलब सेकेंड थर्ड और फोर्थ वीक में विवाह का योग बना रहा है। ये गुरु और शुक्र का युति सप्तम स्थान में, शुक्र सप्तमेश है, सेवेंथ लॉर्ड सिक्स में है, यानी कि पति के साथ कोई ट्रैवलिंग, पति या पत्नी के साथ ट्रैवलिंग का भी कोई योग बन रहा है आपका 24 अप्रैल से 18 मई में, सप्तमेश 6 में, पति या पत्नी के साथ का ट्रैवलिंग का टाइम है, मतलब पति के साथ का ट्रैवलिंग का या और उसके साथ का छोटा मोटा। अभी देखिए शुक्र 12वें में है तो उसके साथ का कुछ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, इसको आपका ट्रैवलिंग का हिसाब में मान रहा हूं। और 19 मई से 11 जून मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया टाइम, टेक द एडवांटेज, आपके हो सकता है स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग आप अनुभव कर पाएंगे, उसमें कोई शक नहीं, भले शुक्र मजे की बात है कि अस्त है, फिर भी देखिएगा इसको आप अनुभव कर पाएंगे। इन शॉर्ट देखिए बुध का कोई ज्यादा रोल है ऐसी बात नहीं है, पूरा लगभग महीना भर ये मेष राशि में ही विराजमान है और आपके लिए लॉर्ड ऑफ द 11th है सिक्स में। तो ये पड़ोसियों के साथ का झगड़ा है या बड़े भाई के साथ का, मैंने बोला ऐसा उसके लिए, तो व्यवहार के लिए मैंने बोला आपको कि बहुत फर्स्ट टू वीक्स भाई या पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को अच्छा बनने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। सो ये बुध का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो रहा है। ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।